अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का, उसका क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन पेपर चाहे वो आईएससी का स्टूडेंट हो, आईकॉम का स्टूडेंट हो या फिर आईए का स्टूडेंट हो, सभी यानी तीनों स्ट्रीम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है उर्दू का, जो कि आपको पता ही होगा क्वेश्चन पेपर अभी जो पूछा जा रहा है आप लोगों को, टोटल पूर्णांक जो है 50 नंबर का, ठीक है। सारे क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग एक बार वीडियो को देख लेना, देख करके लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर देना। और मैं बता दूँ, इस चैनल पर आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का जो कम्प्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जितने स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं आज ही रब्ता करें मेरे नंबर पे या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन नाम से। नंबर आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, 9508 21 और 47 उसके बाद आपका 60, ये नंबर मेरा है। या चाहे तो आप लोग अबाउट से ले सकते हैं या फिर चैनल पेज में जाकर के आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट सवाल नंबर 1 से 30 के चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को जवाब देना है, 25 सवाल के जवाब देना है, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं सवाल नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे मजमून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आसान है, क्योंकि शुरू के ही 2-3 चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, टोटल क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से दिखे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है। आपके पास ऑप्शन सही है सुलेमान नदवी, हाली शिबली, ख्वाजा हसन निजामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे, इंशाया किस तरह का अदब है, अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर अफसानवी अदब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है। बंजारों को खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हिजरत किसका इंशाया है, मुज्तबा हुसैन, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे, माफुकुल फित्री अनासिर जो है किस सिंफ की खसूसियत है, दास्तान, नावेल, अफसाना, इंशाया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, किस्सा चहार दरवेश किस जुबान की किताब है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी जुबान की किताब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर अमन दहलवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे, शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माकूज है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे दरवेश की चौथे दरवेश की कहानी से माकूज है लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखेंगे, इक्तिबास दिया हुआ है क्या कहीं, और इक्तिबास तो दिया नहीं है, चलो देखो। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, बागो बहार क्या है, ठीक है, दास्तान है, नावेल है, अफसाना है, मजमून है, या आपका एक दास्तान है बागो बहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, टोबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो टोबा टैक्सिंग जो है ये एक अफसाना निगार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंफ कहाँ से आई है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगरिब से आई है, ठीक है। चलिए जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा 101% गारंटी है, सारा का सारा जो है सही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी इधर उधर के बहकाव में नहीं आएंगे, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मंटू का पूरा नाम क्या था, आपके पास ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सआदत हसन मंटू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे, अफसाना टोबा टैक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही है, किन लोगों को जो है तब्दील करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पागलों के, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, बदल देना, वही आपका तबादला हो जाता है, ठीक है, पागलों की जो है तबादले की बात की जा रही थी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ऑप्शन पूछ रखा है, रॉकफेलर किस तेल का तिजारत करता था, यानी किस तेल का बिजनेस करता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है, सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा आप लोगों का, परफेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीवान में मदफून है, ठीक है। चलिए मैं उसी दिन पढ़ाया हूं आप लोगों को। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल गुफ्तगू यह क्या है, यह एक आपका नज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
अली सरदार जाफरी का, ठीक है। नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है, तो इसका भी शायर जो है अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी आपका एक नज़्म गुफ्तगू नाम से, और एक नज़्म जो आपको लिखा है, दूसरा नज़्म आपका क्या लिखा है भाई, मेरा सफ़र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, इनमें से तरक्की पसंद अदीब जो है कौन है, तो देखिए यह यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए, सर सैयद अहमद खां। बाकी आप लोग बताना, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गुफ्तगू किस तरह का नज्म है, तो ये आपका सही आंसर की बात करें, गुफ्तगू यह एक आज़ाद नज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, ये शेर जो है, इस शेर का शायर कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी अली सरदार जाफरी। ये जो है आप लोगों का पहला ही शेर से पूछ रखा है, मेरा सफ़र जो है ना, ये जो नज्म है, ठीक है, अली सरदार जाफरी का, उसी में पूछ रखा है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कोमल कुमलाएंगे, और बर्क जुबा से जो है नुत्क वो सदा, ठीक है, ये जो है अली सरदार जाफरी का ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे, दर्ज ज़ैल में पूछ रखा है, दर्ज ज़ैल में इसमें मारफा कौन है, देखिए गंगा नदी पहाड़ बाग, तो देखिए ये तीनों जो एक ही तरह का है, एक ही कैटेगरी का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पे क्या पूछ रखा है, ये वाला जो है ना आइन है, क्या है, आइन है इस तरह करके, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है आबेदा जो है इबादत कर रही है, इसमें आबेदा क्या है, ठीक है, तो ये फेल है, सिफत है, फाइल है, या फिर मफूल है। देखिए फाइल किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करे उसको क्या कहते हैं, फाइल, यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं, इबादत करने का काम आबेदा कर रही है, इसलिए आबेदा ये एक फाइल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मेरा भाई जो है एक दिन जरूर कामयाब होगा, ये कौन सा जमाना है, देखिए होगा आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है, और जमाना की बात करें, जमाना की तीन किस्में होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, तो ये देखिए फ्यूचर में आ रहा है मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, गुड्डू किस इसमें की जो है मिसाल है, तो गुड्डू जो है ये एक उर्फी नाम है, जैसे उसका नाम रहता है अलग, किसी दूसरा नाम से पुकारा जाते हैं, बोलता नहीं है कोई भी, मान लीजिए आपके इलाके में कोई भी किसी का भी इंतकाल हो जाता है, तो उसका नाम एक बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं उर्फ फलां, ठीक है, तो ये आपका उर्फी नाम हो जाएगा गुड्डू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, शेर की जमा क्या है, तो शेर की जमा जो है ना आपका अशआर हो जाएगा, और शायर की जमा होती है शोरा, आप लोग शोरा मत मार देना, यहाँ पे शेर की जमा अशआर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लाल टोपी में लाल क्या है, मौसूफ, सिफत, फेल, जमीर, आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे, लाल टोपी में लाल जो है ये एक सिफत हो जाएगा, ठीक है, और टोपी जो है ना आपका टोपी मौसूफ हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पे, 9-2-11 होता है, ठीक है, कहावत होता है, मुहावरा होता है, मकुला होता है, जुमला, ठीक है, 9-2-11 होना, सॉरी होता नहीं है, यहाँ पे होना है, ठीक है, तो आप लोग पहचान रखना, जिसका भी लास्ट में ना आ जाए ना आग बंद करके मुहावरा में मार देना, ठीक है, मुहावरा का लास्ट में ना आता है, ठीक है, और कहावत में क्या होगा, कहावत टाइप का ही होगा, तो आपको पता चल ही जाएगा, ना नहीं आएगा समझ लेना वो मुहावरा है, कहावत है, ठीक है, ना आ गया मुहावरा समझ लेना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकरम पढ़ाई कर रहा है, ये किसकी मिसाल है, वाहिद मुतकलिम, जमा मुतकलिम, वाहिद गायब, जमा गायब, ठीक है, अकरम तो मौजूद है नहीं, और ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल का मतलब हो गया वाहिद, और ये क्या है, मौजूद नहीं है, गायब है, तो आपका गायब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करना, मैं कवायद पर्सन आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और कंप्लीटली तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए सेक्शन बी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यहां पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, दर्जन सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, 10 दिया हुआ है, 5 का जवाब देना है, ठीक है, फटाफट से हम लोग देखते हैं। पूछ रखा है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, तो आप लोगों को जवाब देना है, जरूरत और उफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है, यानी जरूरत और इस्तेमाल के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का जिक्र है, तो इंशाइया हिजरत में जो है 3 मुल्कों का जिक्र किया गया है, एक है आपका यूरोप और अरब और अमेरिका, ये तीनों मुल्क है, यहां पर पूछ रखा है उनका नाम भी लिखिए, यूरोप, अमेरिका और क्या हो जाएगा आपका भाई, यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब, ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का भी सॉल्व हो चुका है। देखिए सी नंबर क्वेश्चन आपके पास, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, गुलामी की अलामत कहा गया है। किस तरह गुलामी होगा आप लोग देख लें, ठीक है, गुलामी की, ठीक है, इस तरह करके आप लोगों को लिख लेना है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, गुलामी की। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आग, हवा, पानी और खाक में, खाक का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है, तो खाक को समझा जाता है, ठीक है। देखिए शहजादा फकीर को कितनी अशरफियाँ देता है, तो शहजादा जो है फकीर को एक ही अशरफियाँ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है, तो बागो बहार जो है ये किस किताब का तर्जमा है आप लोग बता सकते हैं कोई भी, तो आपका किस्सा चहार दरवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश का जो है तर्जमा किया हुआ है। देखिए लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख को कहाँ भेजे जा रहे थे, तो कहाँ भेजे जा रहे थे आप लोग इसका जवाब देना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान होगा, ठीक है, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे, तो पाकिस्तान में भेजे जा रहे थे, ठीक है। देखिए एच नंबर क्वेश्चन आपके पास, अली सरदार जाफरी की शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से है, तो अदबी तहरीक हो जाना चाहिए इसका। देखिए किसके मुताला पर बागो बहार लिखी गई है, तो आपका जॉन गिलक्रिस्ट के मुताला पर जो है बागो बहार लिखी गई, उसकी ख्वाहिश पर लिखी गई, ठीक है। देखिए आगे आपके पास पूछ रखा है, मुतालेबा पूछ रखा, मुताला नहीं है, मुतालेबा पर, ठीक है, ख्वाहिश पर, तो जॉन गिलक्रिस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए टोबा टैक्सिंग का असल नाम क्या था, टोबा टैक्सिंग का असल नाम जो है सआदत हसन मंटू है। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अलग से चाहिए और साथ में आंसर लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर आप यहाँ पे, दूसरा पे ऑप्शन है, मुंदरजा जैल में से किसी तीन सवालों के जवाब दीजिए, पूछ रखा है उनवान में से किसी एक पर मजमून लिखे, क्रिकेट हो गया, मौसम गर्मा, प्यारे नबी, तो आप लोग किसी में भी एक मजमून लिख लेंगे। आगे पूछ रखा है अपने उस्ताद को एक खत लिखे जिसमें अपने तालीम मुस्तकबिल के बारे में मशवरा तलब कीजिए, ठीक है, वो भी आप लोगों को खत लिखना है, आता ही है, ठीक है, मैट्रिक में आप लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए अब आगे पूछ रखा है मीरामन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला, ठीक है, ये आप लोग जवाब जानते हैं तो लिख सकते हैं। आगे बता रखा है मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखा है, मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, आप लोग सर्च करना एएस उर्दू एजुकेशन मिट्टी का तेल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे ये इसका जवाब मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कुनियत की तारीफ में मिसाल लिखिए, तो आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसमें कुनियत की तारीफ कैसे लिखेंगे कि वह इसमें जिसमें जो है किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए उसे इसमें कुनियत कहते हैं। इसमें कुनियत जो है अलम की एक किस्म है, जैसे अबू बकर, उम्मे सकीना, उम्मे बुलबुल वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा इसमें कुनियत में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे नंबर पर रब्ता करके आप लोग कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 9508214 और 47 उसके बाद आपका 60, इस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट नोट पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर रिप्लाई करना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।